हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। छपाक का और तन्हाजी का भाई 9 दिन पूरा हो गया भाई, और 9 दिन जब पूरा हो गया ना भाई दोनों फिल्मा का, तो देखना बनता दोनों में से किसका तगड़ा परफॉर्मेंस होना भाई। तो तुमको बता रहा मैं इस वीडियो में कि कौन सी फिल्म अतिहर कर ढा रही और कौन सी नहीं। तो पहले बात करते छपाक का भाई। छपाक जो रिलीज हुआ फिल्म, वो 10 तारीख को रिलीज होना, तन्हाजी के सामने आना, और उसका जो प्रोड्यूसर होना वो दीपिका पादुकोण ही होना भाई। और ये फिल्म का बहुत ही ज़्यादा भाई प्रोटेस्ट चल रहा, बायकॉट चल रहा, लेकिन ये फिल्म शायद, तो तुमको बता रहा है इसका कलेक्शन अभी तक कितना हुआ, तो भाई 90 दिन तक देखा जाएगा ना, तो इस फिल्म का कलेक्शन भाई 30 करोड़ रुपये होना, क्योंकि इस फिल्म का कलेक्शन आखिरी दिन जो होना वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए होना। तब तुमको बता रहा ये फिल्म तो भाई कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि इसका बजट 45 करोड़ होना और कमा पाए 30 करोड़, और उसके बाद तो मेरे को लगता नहीं आगे जाके ये 45 करोड़ 15 करोड़ कवर कर पाएगा। और सामने आया भाई तन्हाजी, तो तन्हाजी के बारे में बात करते, तो तन्हाजी का जो फिल्म का कलेक्शन होना ना भाई लोगों, 90 दिन का कलेक्शन तुमको बता रहा जो होना वो भैया 16 करोड़ रुपये होना। क्या तुम लोग जानता भाई 90 दिन जो फिल्म का कलेक्शन होना वो वॉर फिल्म का कलेक्शन में 9 करोड़ होना सिर्फ, लेकिन तन्हाजी का 16 करोड़ होना और अब तक 145 करोड़ रुपये हो जाना भाई। तो ये फिल्म तो टोटली सुपर हिट हो गया भाई लोग। तो अगर तुमको पसंद आया ये वीडियो, तो ये वीडियो लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करा। इसके बाद बता रहा कि वॉर का कलेक्शन कितना रहना भाई, तो क्या वॉर को पीछे छोड़ पाएगा तन्हाजी, देखता है ठीक है ना भाई।